मलेरकोटला में हुई मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला अब गरमाता चला जा रहा है। इस मामले में आप विधायक आशीष खेतान और नरेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के चलते आज ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने गुरबानी की तुकों की बेअदबी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। आज ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की जलंधर के गुरद्वारा माडल टाउन साहब विखे जो एकत्रता हुई है, उस दे विच कुछ होर पंथक जथेबंदियों के नुमाइंदे भी पहुँचे ने। बीते दिन अमृतसर विखे आम आदमी पार्टी के एक आगू श्री आसीस खतान ने जो घटिया बयानबाजी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बराबर एक आम चोन मैनीफेस्टो का दस्तावेज लैके की, उस दे विरोध दे विच ते मलेरकोटले दे विच जो कुरान की बेअदबी हुई है, उस दे जिहड़े दोषी ने जिन्हां ने अपना संबंध RSS नाल विश्व हिंदू परिषद नाल ते आम आदमी पार्टी दे नाल स्पष्ट मन्निया है, उन्हां नू गिरफ्तार करन वास्ते असीं अज जिथे डिप्टी कमिश्नर जलंधर नू एक मैमोरेंडम दे रहे हां पंजाब सरकार वास्ते, उत्थे साडी मंग है कि पंजाब दे अंदर जिन्नियां भी सियासी पार्टियां ने उन्हां नू अपना अपना चोन मैनीफेस्टो जारी करन दा हक है, लेकिन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करनी, गुरबाणी दियां तुकां दा गलत इस्तेमाल करना, सरोपे जिहड़े ने जो गुरु घर की बख्शिश वजो दिते जांदे ने उन्हां दी बेअदबी करनी और इस तरह दियां अनेकां घटनावां जिहड़ियां ने उस दे विरुद्ध ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन कोई भी जथेबंदी होवेगी जिहड़ी राजनीतिक तौर दे उत्ते चोणां 'च हिस्सा लवेगी इहो जी गलती करदी है, उस दे विरुद्ध असी जिवें अज आम आदमी पार्टी दे विरुद्ध झंडा चुक्किया है उस दे खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करांगे। जलंधर से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।